नमस्कार दोस्तों, यार MG की तरफ से आने वाली कॉमेट EV देख रहे हैं आप। हाल ही में ये लॉन्च हुई है यार दोस्तों, और छोटी सी गाड़ी होने के साथ साथ दोस्तों यार क्या दे दिए इसमें फीचर्स, वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यार, जैसे ही आप गाड़ी को फ्रंट से देखेंगे तो एक आपको छोटा सा बोनेट यानी छोटा सा लुक मुहैया कराएगा यार। एकदम कॉम्पैक्ट गाड़ी बना दी है। विड्थ की बात कर लें तो 2505 mm और लेंथ 2974, यानी कि यार नैनो से भी छोटी होने वाली, काफ़ी कॉम्पैक्ट कार है। और उसके साथ ही दोस्तों यार फ्रंट में आपको मिल जाएंगे DRL और यहाँ मिल जाएंगे यार हेडलैम्प्स, और यहाँ आप देख सकते हैं यार LED लाइन डिज़ाइन के साथ, यहाँ लाइन डिज़ाइन वाले आपको मिलेंगे LED DRL, और नीचे मिल जाएंगे आपको लाइट्स वगैरह यार दोस्तों। तो देखने पर ये गाड़ी जब फ्रंट से आप देखेंगे तो काफ़ी प्रीमियम सी लगेगी। और नीचे आपको मिलेंगी ये इस तरीके की, यहाँ पर देख सकते हैं आप ग्रिल। और साथ ही दोस्तों यार ये तीन कलर में आती है, ब्लैक कलर है इसका बेस मॉडल है। और उसके साथ ही दोस्तों यार ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लें तो इसमें 175 mm होने वाला है ग्राउंड क्लियरेंस। टायर के साइज़ की बात कर ले तो 145-70 और 12 इंची का टायर होने वाला है। यहाँ आप देख सकते हैं ORVM में आपको टर्न ऑन इंडिकेटर मिल जाएंगे, ग्लोसी ब्लैक कलर के साथ ORVM आएंगे। क्रोम की लाइन डिज़ाइन वाली छोटी सी यहाँ पर की है थोड़ी थोड़ी बैचिंग। और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है इलेक्ट्रिक, यानी कि यार ये इलेक्ट्रिक गाड़ी होने वाली है, साथ ही चलेगी बिजली से। और बात कर ले अंदर के स्पेस की तो ये देख सकते हैं साथियों, पीछे की 50-50 स्प्लिट सीट हैगी। और उसको अगर हम बैक कर देते हैं तो इस तरीके से हो जाती है दोस्तों यार। यहाँ पर लगा है ये बैग के अंदर, आप देख सकते हैं बैग में रखा है चार्जर यार, तो इसको आप फास्ट चार्जिंग की मदद से भी चार्ज कर सकते हैं और घर के चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं चार्जर लगवा के। यहाँ से ये सीट इस तरीके से हो जाती है ओपन, 4 सीटिंग ये आपको मिलेगी गाड़ी। और पीछे बूट स्पेस देख सकते हैं आप यार, इसको सेकेंड कार के हिसाब से तो यूज़ कर ही सकते हैं। और बैग का आप देख सकते हैं लुक जो देख रहे हैं आप, एकदम ही आपको छोटा सा लुक मिलेगा। LED टेल लाइट मिलेंगी, बैक में पार्किंग के सेंसर मिलेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं डिज़ाइन लाइन डिज़ाइन वाली LED लाइट, टेल लाइट, इनसाइड इंटरनेट यानी कि इंटरनेट इनसाइड होने वाला है। साथ ही बैक प्रोफाइल आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की गाड़ी की होने वाली है यार साथियों। ये देख सकते हैं बैक का लुक है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर दिया है कार को यार। और नीचे देख सकते हैं MC ब्रॉक सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाएंगे यार। यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरीके का नीचे का लुक है यार दोस्तों। और साथ ही अब चलते हैं इसके अंदर, यहाँ पहले देख सकते हैं क्रोम की फिनिशिंग की गई है यार साथियों। और अब चलते हैं इसके अंदर, पहले देखिए यार ऊपर का इस तरीके का है और यहाँ ये ORVM है। अब चलते हैं इसके अंदर और देखेंगे पहले बैक का स्पेस, पीछे बैठ के देखेंगे कितना स्पेस पीछे होने वाला है। तो दोस्तों पीछे आपको 2 हेडरेस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का पीछे का लेग रूम है। सीट को पीछे कर देंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, मतलब ख़त्म सा हो जाएगा। पीछे 2 हेडरेस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर लगा है डोर पकड़ने के लिए ऊपर हैंडल, और यहाँ ये लेग रूम आप देख सकते हैं यार। छोटी सी गाड़ी एकदम कॉम्पैक्ट कर दिया है कार को यार दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी बात है। और साथ ही दोस्तों यार देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको एक 8 इंची का टच स्क्रीन सिस्टम मिलेगा। लेग रूम आगे का ठीक है यार, 2 लोगों के हिसाब से काफ़ी अच्छी गाड़ी कह सकते हैं। यहाँ ग्लव बॉक्स सा नहीं दिख रहा है। और यहाँ ये देख सकते हैं दोस्तों यार, ये केबिन की लाइट है, काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है। और यहाँ पर लगे हैं पेपर होल्डर यार 2, और इसके अंदर दिया है मिरर, और ये उस तरफ का पेपर होल्डर। और साथ ही दोस्तों यार ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटोमेटिक AC तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसके अलावा मैनुअल आप AC को ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों यार, ये ड्राइविंग मोड, इकोनॉमी मोड, सिटी मोड इसमें आपको मिल जाएगा। और उसके साथ ही 2 पावर विंडो के स्विच लगे हैं यहाँ पर। और ये देख सकते हैं साथियों यार, जो इसका स्टेयरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगता है, एकदम कॉम्पैक्ट गाड़ी की तरह। और यहाँ पर मिल जाएगा 8 इंचज़ का टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम यार, और यहाँ स्टेयरिंग माउंटेड की मिल जाएंगे। और ये जो इसका आप देख रहे हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसमें आपको गेट ओपन से लेकर सभी चीज़ें बता देगा। और यहाँ पर ये जो की देख रहे हैं आप, ये काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है। अब चलते हैं इसके ड्राइवर साइड और देखेंगे क्या क्या खास होने वाला है दोस्तों यार। तो एक चीज़ समझिए, 230 किलोमीटर इसकी होने वाली राइडिंग रेंज, 41 RPM की इसकी मोटर होने वाली है। और उसके साथ ही दोस्तों यार इसका लुक तो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने से नहीं रोक सकता। खैर आप बताइए यार, इस प्राइस में क्या 8.5 लाख रुपये के हिसाब से ये गाड़ी सही है, ये आप समझिए। ये देखिए यहाँ पर लिया है हैंडल वगैरह सीट को पीछे करने के लिए, 4 लोग आप इसमें नहीं बैठ पाएंगे अच्छे से, ये चीज़ समझिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेग रूम है इसका, 2 लोगों के हिसाब से काफ़ी बढ़िया मुझे लगी, 2 लोगों के हिसाब से या कमर्शियल पर्पस से। यहाँ पर 2 साउंड आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और यहाँ पर MG की बीच में दी है बैचिंग। अब कर रहे हैं हम इसकी टेस्ट ड्राइव यार साथियों, तो चलाने में काफ़ी बढ़िया वाला फील आ रहा है एकदम यार, चलाने में काफ़ी बढ़िया सी लगेगी आपको, एकदम पिकअप विकअप बढ़िया पकड़ने वाली है साथियों यार। और साथ ही इनसाइड दिया है इंटरनेट, तो इंटरनेट की सुविधा आप उठा सकते हैं इसमें, एक सिम जैसी डलती है उसमें होता है रिचार्ज यार MG एक्टर की तरह। तो काफ़ी सारी फीचर्स कर दिए इन्हें
फ्रेंड्स, और फ्रंट में आपको मिलेंगे यार दो वाइपर। और यार एक चीज़ समझिए, नैनो से छोटी गाड़ी देखने पर लगेगी बाहर से, लेकिन अंदर से काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्पेस है। तो दोस्तों यार आपको कैसी लगी गाड़ी और कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही यार दोस्तों, धन्यवाद।